मेरा मकसद अध्यक्ष बनना नहीं है, मेरा मकसद है कि यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको सुधारना। सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि वकीलों का हित, जो वकीलों का सम्मान अभी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, तो वो सम्मान हमको वापस लाना है। दिनेश जी, आपके विरोधी सीधा सीधा कह रहे हैं कि उतना सक्रिय नहीं रहे हैं दिनेश देवांगन, उसे लेकर क्या कहेंगे? मैं सभी वकीलों से अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाए और जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए मैं उनको गारंटी देता हूं। खाता न्यूज 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर काफी घमासान हो गया है। हमारे साथ अध्यक्ष पद की जो दावेदारी कर रहे हैं दिनेश देवांगन जी, उनसे हम चर्चा में जुड़ेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज 72 में। धन्यवाद सर। आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं 25 वर्षों से जिला न्यायालय रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इसके पहले 2019 से 2021 तक के उपाध्यक्ष पद पर था और अभी मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। और न्यायालय में जो समस्या है, आप देख रहे हैं कि पार्किंग की समस्या है और हमारे बैठक व्यवस्था है और बहुत सारी जो समस्या है उनको देखते हुए मेरा मकसद अध्यक्ष बनना नहीं है, मेरा मकसद है कि यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको सुधारना। तो आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले, क्या क्या थी आपकी उपलब्धियाँ थोड़ा बताइए। जब मैं उपाध्यक्ष था उस समय तत्कालिक पदाधिकारियों के सहयोग से और यहाँ के अधिवक्ताओं के सहयोग से, आप देख रहे हैं कि पीछे में नोटरी केबिन बना हुआ है, वो उस समय नोटरी केबिन नहीं बना था, तो मैंने अपने एक उन लोगों के सामने बात रखी कि केबिन बना के रखते हैं तो सुव्यवस्थित दिखेगा। तो मैंने अपने भरसक प्रयास किया और तत्कालिक पदाधिकारियों और वकीलों के सहयोग से नोटरी केबिन बनवाया। दूसरे की टाइपिस्ट लोग बैठते थे उनके लिए केबिन बनवाया था मैंने, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी जैसे पानी है, बिजली है, एसी है, उनका रेगुलर में मेंटेनेंस करवाया और भी जो मेरे को जो काम दिया गया था, तो मेरे कार्यशैली को देखते हुए तत्कालिक पदाधिकारियों ने मेरे ऊपर में जो दायित्व सौंपा था उसको मैंने बखूबी निभाया हूँ। दिनेश जी, अगर आपको मौका मिलता है, आप अध्यक्ष बनते हैं, तो हमें क्या नया देखने को मिलेगा और किन मुद्दों को लेकर आप वकीलों के बीच जा रहे हैं? जी, सबसे पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि वकीलों का हित, जो वकीलों का सम्मान अभी उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, तो वो सम्मान हमको वापस लाना है। बेंच और बार के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है। अभी हमारे जो सीनियर्स हैं उनको सम्मान बराबर नहीं मिल पाता है और जूनियरों को सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो सम्मान हमको बरकरार रखना है और उसके लिए मैं प्रयास रहूँगा, हमेशा प्रयासरत रहूँगा और जो अव्यवस्थाएँ हैं न्यायालय में उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। दिनेश जी, आपके विरोधी सीधा सीधा कह रहे हैं कि उतना सक्रिय नहीं रहे हैं दिनेश देवांगन, उसे लेकर क्या कहेंगे? जितना सक्रिय मैं था, जनरली देखने को मिला है कि जब मैं उपाध्यक्ष था तो उपाध्यक्ष का एक पोस्ट जो है साइलेंट रहता है, लेकिन मैं जिस समय उपाध्यक्ष था उस समय मैंने जो काम किया है ऐसा कोई उपलब्धि किसी भी उपाध्यक्ष ने नहीं किया है। और उसके बाद में उपाध्यक्ष बनने के बाद में हमेशा मैं सक्रिय रहा हूँ और इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। वकीलों के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एक नया चेहरा है और काम जो काम होना चाहिए वो मेरे से अपेक्षाएं रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। और मैं अगर अध्यक्ष पद में आता हूँ निर्वाचित होकर, तो मैं आश्वासन ही नहीं गारंटी देता हूँ कि सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मीडिया के माध्यम से आप वकीलों से क्या अपील करेंगे? मैं सभी वकीलों से अपील करता हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोटों से विजयी बनाए और जो अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए मैं उनको गारंटी देता हूं। ये थे हमारे साथ दिनेश देवांगन जी, फिर और भी विषय हैं उनको लेकर हम फिर चर्चा में उनसे जुड़ेंगे। तो आप लोग देखते रहिए न्यूज 72। दिनेश भैया जिंदाबाद।